स्टेशन पर भूतिया बारातियों की ट्रेन। इस गांव में आना तो बेकार रहा। सोचा था कुछ इंटरेस्टिंग सा शूट करने को मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। अब हम कॉलेज की डॉक्यूमेंट्री में प्रोफेसर को क्या दिखाएंगे? मुझे तो लगता है कि इस बार प्रोफेसर हमें 0 नंबर देने वाला है। आरएफ रोहन दोनों दोस्त खास तौर पर शहर से गांव में डॉक्यूमेंट्री शूट करने के लिए आए थे, लेकिन गांव में कुछ भी इंटरेस्टिंग ना मिलने की वजह से दोनों दोस्त रात की ट्रेन पकड़कर शहर जा रहे होते हैं। ये तभी जैसे ही रेलवे स्टेशन की घड़ी में रात के 12 बजते हैं, तो सभी लोग रेलवे स्टेशन पर इधर से उधर भागने लगते हैं। क्या हुआ, आप सब लोग इस तरह से भाग क्यों रहे हैं? बेटा, अगर अपनी जान बचानी है तो भागो यहाँ से। रात के 12 बज गए हैं, वो भूतिया बारातों की ट्रेन आती होगी। क्या, भूतिया बारातों की ट्रेन? क्या कह रहे हैं आप? तुम शायद इस गांव में नए आए हो, जल्दी मेरे साथ चलो। गांव का मुखिया आरफ और रोहन को जल्दी से अपने घर ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ देखते ही देखते सारा रेलवे स्टेशन खाली हो जाता है। तभी उस रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आकर रुकती है। उस ट्रेन के अंदर से भूतों और चुड़ैलों से भरी हुई एक भूतिया बारात बाहर आती है। जल्दी चलो बारातियों, मेरी दुल्हन मेरा इंतजार कर रही है। वो भूत घोड़े पर बैठकर अपनी सभी भूतिया बारातियों के साथ गांव में जा पहुंचता है, जहां पर आज बिरजू की बेटी की शादी होती है। लेकिन जैसे ही सभी लोग उस भूतिया बारात को देखते हैं, हे भगवान, भूतिया बारात कहां से आ गई? भगवान के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे कुछ मत करना। मैं उसे कुछ करूंगा थोड़ी ना, मैं तो बस उससे शादी करने के लिए आया हूँ। इतना कहकर वो भूत अपने घोड़े से उतरकर जैसे ही दुल्हन के पास जाता है। ये क्या, तुम मेरी दुल्हन नहीं हो? मैं तुम्हारी दुल्हन नहीं हूँ, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। जब तक मेरी शादी नहीं हो जाती, मैं तब तक किसी और की शादी नहीं होने दूंगा। इतना कहकर वो भूत उस दुल्हन को वहीं मार देगा और वो सारे बारातियों के साथ वापस रेलवे स्टेशन पर जाकर अपनी भूतिया ट्रेन में बैठ जाता है और ट्रेन चलते चलते उस भूतिया बारात के साथ गायब हो जाती है। वहीं ये सब आरव और रोहन और मुखिया के घर से अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लेते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया, मेरी बेटी तो डोली में बैठने से पहले ही अर्थी में लेट गई। आज इन भूतिया बारातियों की वजह से हमारे गांव की एक और मासूम बेटी मर गई। सभी लोग दुल्हन की लाश को देखकर काफी रोते हैं। वहीं आरव और रोहन। रोहन, मुझे लगता है इस गांव में हमें अपनी लाइफ की बेस्ट डॉक्यूमेंट्री वीडियो मिलने वाली है। हाँ, सही कहा तुमने, अब तो हम इस गांव को छोड़कर इतनी जल्दी नहीं जाएंगे। आरव रोहन ये सब देखने के बावजूद भी गांव छोड़ने के बजाय इस गांव में कुछ और दिन रुकने का फैसला करते हैं। ऐसे ही कुछ वक्त गुजर जाता है। ये क्या मोहनलाल, बिरजू की बेटी के साथ क्या हुआ? क्या तुम भूल गए हो जो अपनी बेटी की शादी कर रहे हो? तो क्या करूं मुखिया जी, भूतिया बारातियों की वजह से क्या जिंदगी भर अपनी बेटी को घर पर बिठा कर रखूं? वैसे भी मैं ये शादी दिन में कर रहा हूँ, दिन में तो कभी भी कोई भूत प्रेत इंसानों पर वार नहीं करते। थोड़ी ही देर में मोहनलाल की बेटी की बारात आ जाती है और विधि विधान से मोहनलाल की बेटी की शादी हो रही होती है। तभी फिर से उस रेलवे स्टेशन पर अचानक वो भूतिया बारातियों की ट्रेन आ जाती है, जो मोहनलाल की बेटी की शादी में जा पहुंचती है। दिन में भी भूतिया बारातियों को देखकर गांव के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। दूल्हा यहाँ है तो मेरी दुल्हन की किससे शादी हो रही है? वो भूत जैसे ही उस दुल्हन के पास जाता है। ये क्या, तुम भी मेरी दुल्हन नहीं हो? कहाँ है मेरी दुल्हन? इतना कहकर वो भूत उस दुल्हन को भी मार देता है। जब तक मेरी दुल्हन नहीं मिल जाती, तब तक ऐसे ही हर एक दुल्हन को मारता रहूंगा। इतना कहकर वो भूत वापस अपनी भूतिया बारात को लेकर उस रेलवे स्टेशन पर आ जाता है और भूतिया ट्रेन में बैठकर एक बार फिर से गायब हो जाता है। हे भगवान, मेरी बेटी ने किसी का क्या बिगाड़ा था जो आज उसके साथ ये सब हुआ? आखिरकार हम लोग कब तक इन भूतिया बारातियों के खौफ से यूं ही अपनी बेटियों की जान गंवाते रहेंगे?
हाँ मुखिया जी, अब बहुत हुआ आतंक इन भूतिया बारातियों का। अब जितनी जल्दी हो सके हमें कुछ करना होगा। इतनी बड़ी समस्या देखकर गांव का मुखिया भी अब बहुत घबरा जाता है। वो गांव के जंगल में गांव के कुछ लोगों के साथ जाता है और उस जंगल में एक बहुत बड़ी गुफा होती है जिसके अंदर कई सौ सालों से एक तांत्रिक होता है। सभी लोग उस तांत्रिक को सारी बात बताते हैं। आप लोगों की बातों से पता चलता है कि वो भूत अपनी भूतिया बारात के साथ किसी को ढूंढ रहा है। हमें सबसे पहले उसका मकसद जानना होगा। इतना कहकर तांत्रिक उन सभी गांव वालों के साथ उस भूतिया रेलवे स्टेशन पर जाता है और जैसे ही रात में घड़ी के 12 बजते हैं तो एक बार फिर से उस रेलवे स्टेशन पर भूतिया बारातियों से भरी हुई ट्रेन आती है और वो भूत जैसे ही गांव के सभी लोगों के साथ तांत्रिक को देखता है तो जोर जोर से हंसता है। अच्छा, तो तुम लोग मुझे मारने के लिए इस तांत्रिक को लेकर आए हो। ये तांत्रिक मेरा क्या ही बिगाड़ लेगा। इतना कहकर वो भूत उस तांत्रिक का मजाक उड़ाने लगता है। तभी तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है जिससे वो भूत अपने सभी बारातियों के साथ एक मायावी जाल में कैद हो जाता है। निकालो हमें यहाँ से, निकालो। मैं तुम्हें यहाँ से एक ही शर्त पर निकालूंगा, जब तुम मुझे ये बताओगे कि तुम क्यों इन मासूम दुल्हनों को मार रहे हो। जब तक मेरी दुल्हन नहीं मिल जाती मैं ऐसे ही हर दुल्हन को मारता रहूंगा। कौन है तुम? कौन है तुम्हारी दुल्हन? किसे ढूंढ रहे हो तुम? तांत्रिक की बात सुन वो भूत इन सब के पीछे का कारण अब सभी गांव वालों को बताता है। तकरीबन 4 साल पहले सार्थक नाम का दूल्हा अपनी बारातियों के साथ इसी ट्रेन में शादी करने के लिए जा रहा होता है। आज सार्थक की उसके बचपन के प्यार वेदिका से शादी होने वाली थी। सार्थक काफी खुश था, तभी उसकी ट्रेन का एक्सीडेंट एक दूसरी ट्रेन से हो जाता है जिसमें सार्थक के साथ साथ सभी बारातियों की मौत हो जाती है। उस दिन से आज तक सार्थक खुद भूत बनकर अपनी भूतिया बारात के साथ अपनी दुल्हन को ढूंढ रहा है। मुझे बस मेरी दुल्हन ला दो और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन इसकी दुल्हन कौन है? हम लोग कहाँ से ढूंढे उसे? हम लोग ढूंढेंगे उसे। हम तो पहले बस यहाँ अपने फायदे के लिए रुके थे, लेकिन सार्थक की बात सुनकर हमारे अंदर की इंसानियत जाग गई। आरव रोहन दोनों मिलकर सार्थक की होने वाली दुल्हन वेदिका के घर का पता लगाते हैं और उसके घर जाकर उसे सारी बात बताते हैं। सार्थक की मौत के बाद मैंने आज तक शादी नहीं की। मुझे नहीं पता था कि अपनी मौत के बाद भी सार्थक भटक रहा है। मुझे जल्दी से मेरी सार्थक के पास ले चलो। रोहन आरव वेदिका को जल्दी से उस भूतिया रेलवे स्टेशन पर ले जाते हैं। इतने सालों बाद वेदिका को अपने सामने देखकर सार्थक की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वेदिका, तुम आ गई। मेरी दुल्हन कितने सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, लेकिन तुम मुझे नहीं मिली। सार्थक, तुम्हारे साथ ये क्या हो गया? मैं तो मंडप पर दुल्हन बनी तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुमने तो मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे अपनी दुल्हन बना कर ले जाओगी। वेदिका, मैं अपने वादे को आज भी पूरा कर सकता हूँ। अगर तुम चाहो तो क्या तुम मेरी दुल्हन बनोगी? मैं तो कब से ही तुम्हारी दुल्हन बन तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम कब आओगे और मुझे अपने साथ ले जाओगे? लेकिन हमारे बीच सिर्फ मेरी मौत का फासला है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ये मौत का फासला खत्म कर सकता हूँ। तुम ये जल पी लो। इसे पीते ही तुम अपना शरीर त्याग दोगी और मरने के बाद तुम दोनों की आत्मा एक हो जाएगी और तुम दोनों को ही इस संसार से मुक्ति मिल जाएगी। सार्थक के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इतना कहकर वेदिका तांत्रिक के दिए हुए जल को पी लेती है और देखती है वेदिका अपना शरीर त्याग कर अपने शरीर से मुक्ति पा लेती है और अब सार्थक वेदिका दोनों की ही आत्मा का आखिर मिलन हो जाता है और अब वो सब उन भूतिया बारातियों के साथ वहाँ से गायब हो जाते हैं, जिसे देखकर सारा गांव काफी खुश होता है। बेटा, तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम दोनों उस लड़की को ना ढूंढते तो ना जाने कब तक हमारे गांव की दुल्हने यूं ही मौत के घाट उतरती रहती। जी मुखिया जी, हमने तो बस अपनी इंसानियत निभाई है। आप सभी लोगों को इन भूतिया बारातों से छुटकारा मिल गया, सार्थक को भी उसकी दुल्हन मिल गई और आखिरकार हमारी ये डॉक्यूमेंट्री भी
पूरी हो गई, अब हम चलते हैं। जिसके बाद अब आरव रोहन अगले दिन ट्रेन से शहर आ जाते हैं। उनकी इतनी अच्छी डॉक्यूमेंट्री की वजह से उन दोनों को कॉलेज की तरफ से काफी अच्छा प्राइज मिलता है और आखिर में अब सब कुछ ठीक हो जाता है।